फर्स्ट पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीपों के बारे में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि विश्व के महाद्वीप इस प्रकार से हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें आप जानिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और इसके बाद है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद है कि विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप को छोड़ कर के कौन सा महाद्वीप है दूसरा? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद आगे है, इसी क्रम में आगे के प्रश्नों को आप देखेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो यह है 29.2%। इसके बाद है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक वेगनर हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यह 1960 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। ये विश्व के महाद्वीपों के बारे में विशेषतः जानकारी आपको दी जा रही है। इसमें आपका सातवां प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? अब यहाँ देखिए, आप ये देख पा रहे हैं विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया है, और इसके सिद्धांत को किसने दिया है? ये हैं हैरी हैस ने 1960 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया या प्रस्तुत किया। किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यूरोप को। इसके बाद का प्रश्न है कि किस महाद्वीप को, यहाँ आपको दिख रहा है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, क्योंकि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी यह मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसको आंध्र महाद्वीप कहा जाता है, और इसी को दूसरा महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि महाद्वीप आपका है जिसको मानवधर के नाम से जाना जाता है, वह है एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? यानी सरीसृप वर्ग के जीव कौन से महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो यह है महाद्वीप जहाँ पे सरीसृप वर्ग के जीव नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आपका है केप अगुलहास यह अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद आगे प्रश्न है, ये आपके 16 क्वेश्चन से ही ये आज की वीडियो में आप देख पाएंगे, जिसमें 14वां क्वेश्चन आपका है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास है। 15वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में
कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मकर रेखा गुजरती है। और इसका 16वां और अंतिम प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है। हिमाच्छादित मीन्स बर्फ से ढका हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप। और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक दिन की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक